आहूजा के सामने अब तक जितनी भी चुनौतियां आईं, उन्होंने हर चुनौती का बखूबी से सामना किया। जैसे पिछले हफ्ते चंडीगढ़ की जनता ने उनके लिए जो कुछ कहा उसका भी बखूबी जवाब दिया, लेकिन अब उन्हें जवाब देना है उस जनता का जो पिछले दो महीनों से उनके साथ मम्मी महल में रह रही है। ये देखिए, शादी इज अ स्ट्रिक्ट नो फॉर हर। मेरे को ये सुनने में आया था कि लोगों को नहीं पसंद आ रहा है कि उसने हितेश के साथ जो किया, इसलिए वह भी गेम खेलेगी। और उसने राजवीर को इसलिए निकाला क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग कंटेंडर था, उसको कंपटीशन था। उस टाइम पे कितना इंटेंस था मेरा यशदीप का रिलेशनशिप, कितना इंटेंस था, वी वर सो मच इनटू ईच अदर। उस वक्त आके वो मुझे ब्रेन वॉश करती है, कहती है कि तुम यशदीप को निकालो, वो तो तुम्हें लाइक करता है नहीं, उसने कभी तुम्हारे में इंटरेस्ट दिखाया नहीं है, और उसकी मम्मी जिस दिन वो मम्मी ऑफ द वीक बनेगी सबसे पहले वो तुम्हें एलिमिनेट करेगी, तो तुम अभी उसको एलिमिनेट करो। तुम मुझे बोलो कि तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है यशदीप को एलिमिनेट करने में, मैं प्रियंका को पटा लूंगी। मेरा घर ही जा रही है, उसको देखो क्या कर रही है वो। इतनी मुश्किल से आंटी ने मेरे से बात करनी शुरू की है, फिर चिपक गई जाके चिपर चिपर करती रहेगी, पकाएगी सॉलिड। ना कोई फीचर्स, ना कुछ और, आई मीन जस्ट कलर्ड आईज, दैट्स ऑल शी हैज, एंड योर सेंस ऑफ टॉकिंग, राइट। हाँ जी पूजा जी, हितेश से कुछ बातें करनी है। हितेश का चैप्टर तो वो वाला हस्बैंड वाला क्लोज हो चुका है। अब ये बताइए कि आप किस कुंवर को ले जाना पसंद करेंगी। आंटी जी कहती है पति वाला चैप्टर तो क्या हिट मारी थी आंटी ने, बस ये दिखा देना, ये दिखा देना प्लीज। कहती है इट वाज अ टाइट स्लैप ऑन वन टाइट सन वाला स्लैप। पूजा, गुरप्रीत ने जो कहा उसमें कितनी सच्चाई है? आई एम एब्सोल्युटली स्पीचलेस। ये सब बातें सुनना गुरप्रीत से, ऑनेस्टली मेरी पूरी बॉडी नम पड़ चुकी है। प्लीज दया कीजिए आप सब, और मेरा नाम गलत तरीके से इस्तेमाल मत कीजिए। मैंने जो बोला, जो मुझसे बोला गया था वो बोला, और जो मैंने फील किया था वो बोला। अगर ऐसी बात हुई है तो फिर आपने पूजा को ये समझाने की कोशिश नहीं की कि कुछ गलत हो रहा है या फिर? क्योंकि उसके मुंह से ये सब बातें करना, जितना उसको शौक लगा उससे बड़ा शौक मुझे लगा था उस वक्त। एग्जैक्टली हुआ आप दोनों के बीच में, मतलब आपने कुछ ट्रायंगल के बारे में आपने बातचीत की, मतलब बिटवीन यू यशदीप एंड हर, व्हाटएवर, जस्ट एक बार कुछ क्लैरिफाई कर दो हमारे लिए। जैसे कि बीच में मेरा और यश की मामा का बहुत रफ टाइम चल रहा था, थोड़ा इशू था। सो शी टोल्ड मी कि देखो ऐसे भी जितनी भी बार मैंने यश और जब पूजा बात कर रहे होते थे, तो फिर जितनी भी बार मैंने उसे पूछा है कि क्या मैं गुरप्रीत को बुलाऊं, तो यश का स्ट्रेट आंसर होता था कि नो आई एम टॉकिंग टू यू, आई मीन डिड आई टेल यू टू कॉल हर, समथिंग लाइक दैट। सो शी टू टेल मी ऑल दिस, एंड वैसे लाइक यू नो सी इज नॉट इंटरेस्टेड इन यू, सो एंड आंटी ऑल्सो डजंट लाइक यू। सो जिस दिन आंटी मम्मी ऑफ द वीक बन गई उस दिन तो यू नो इट विल बी वेरी इजी कि तुम एलिमिनेट हो जाओ। सो इट इज़ बेटर कि तुम बोल दो कि तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है यश को एलिमिनेट कराने में, आई ट्राई टू टॉक टू प्रियंका अबाउट इट। ये होल सिचुएशन था, सो इसीलिए वो ट्राइंगल वाली बात हुई थी कि डोंट वरी इवन इफ यश लीव्स मैं ट्राई करूँगी कि तुम यहाँ पे रहो, मैं आंटी को थोड़ा कह दूंगी कि गुरप्रीत की तरफ भी ध्यान दो, भी अच्छी लड़की है एंड ऑल दैट। पूजा, यू लुक कम्प्लीटली शॉक्ड एंड शैटर्ड, क्यों? मेरी शो की शुरुआत इसी के साथ थी, गुरप्रीत के साथ, एंड सिंस दैट डे ये बहुत मैंने इनको अपने बहुत क्लोज माना, और मैंने अगर किसी कंसर्न से इसको बताया तो वो ये नहीं था कि मेरे को गुरप्रीत की और यश की जोड़ी में मुझे कोई प्रॉब्लम थी। मुझे तो बड़ी खुशी होती अगर इनकी जोड़ी बनती, जिस डिप्रेशन में ये थी उस चीज को ध्यान में रखकर मैंने इसको जब भी दिया तो आई यूज़ टू गिव हर सजेशंस। जहां तक ये बात कह रही है कि मैंने इनको कहा कि यश को एलिमिनेट कर देते हैं, तो मैं उस चीज को भी क्लियर कर देती हूँ कि पावर मेरे हाथ में नहीं थी उस टाइम, ब्राइड ऑफ द वीक प्रियंका थी। पूजा वन सेकेंड, इम्पॉसिबल सेंटेंस है कि मैं यश को कभी यहाँ खड़ा करूंगी। मैंने जरूर आपको ये बोला था कि हितेश को मैं ब्रदर जैसे देखती हूँ, तो मैं उनका नाम लूंगी और आप उनको सेव करोगे क्योंकि आप जीते हो, लेकिन मैंने ये नहीं बोला था कि मैं यश को लाऊंगी।
तो बेटर यू डोंट ब्रिंग मी इन ऑल दिस एंड डोंट ब्रिंग यश आल्सो इन दिस. आई एम नॉट इन पार्ट ऑफ ऑल दिस प्लीज पूजा. आई डोंट हैव एनीथिंग टू से नाउ. शेखर जी, अमृता जी, मलाइका जी बातों से पलट जाते हैं और आई थिंक किसी ने सही कहा है कि बिना मांगे एडवाइस भी नहीं देनी चाहिए. एंड जब ये लास्ट टाइम यहाँ से गई थी तो उन्होंने बोला कि पूजा मेरी बड़ी बहन जैसी रही है एंड आई मिस यू एंड ऑल. कोई अगर आप मेरे को इतनी बड़ी बात, इतना बड़ा ओहदा दे रहे हैं कि मेरी बड़ी बहन जैसी है, तो मेरी एडवाइस को इतना नेगेटिव वे में क्यों? व्हाट इज शी सेइंग? आई डोंट नो, मतलब वो एडवाइस आया नहीं, बट अगर बार 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 अगर आपको किसी चीज के बारे में नेगेटिव बोला जाए, किसी रिलेशनशिप के बारे में, इफ यू लाइक समवन, तो ऑब्वियसली यू विल नॉट टेक इट एज एडवाइस. ये मैं जरूर मानती हूँ कि मेरी ये गलती है कि मैंने जिस अंदाज से बोला वो बहुत ही गलत तरीका था. आपको ऐसा लगता है कि आप पुरानी तरह से एक दूसरे के प्रति वही व्यवहार रख सकते हैं, वही रवैया रख सकते हैं? मैं तो अब कुछ बोलने से भी खतरा रही हूँ, कुछ बोलना ही नहीं चाहती. शायद कुछ बोल दूंगी और उसको भी अगर गलत तरीके से ले लिया गया तो मेरे बारे में ऐसे ऐसे हार्ड वर्ड्स और इस तरीके के एक्सप्रेशंस एंड हंस रहे हैं दोस्त और मैं टॉपिक बनी हुई हूँ जिनमें मैं कहीं ना कहीं अपनी फीलिंग्स को कन्फाइड इन करती हूँ, ये देख कर के मजाक बनाया जा रहा है तो इट हर्ट्स ना. साइन लैंग्वेजेस थोड़े कम समझ में आते हैं, थोड़ा सा अच्छे से इंटरप्रेट करके बताया जाता तो ज़्यादा अच्छे से समझती. जो भी देखा शायद यही दोनों बता सकते हैं, अगर सही सही बता देंगे तो मेरे लिए ज़्यादा चीज़ें क्लैरिफाई होंगी. मेरी फ्यूचर का ही सवाल है.